हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 26 जून के द हिंदू में आज देखेंगे कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, एक हमारा इम्पॉर्टेंट आया, ये आपने देखा भी होगा, न्यूज़ वगैरह में भी दिखा रहे थे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखो, मोदी शीसी इंक डील ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है, इसमें इजिप्ट से रिलेटेड है, इंडिया एंड इजिप्ट से रिलेटेड आईआर का पॉइंट है ये, तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जो लोग 2024 का देने वाले हैं यूपीएससी का, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, वो तो ठीक है। लास्ट में आपको कंपाइलेशंस जो आती हैं, ठीक है, PT 365 का आप कर लेना, जैसे IR की। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो उसमें कंपाइलेशन होगी, IR के सारे टॉपिक्स होंगे, फिर आपको वो कर लेना है। हालांकि मैंने PT 365 का कराया भी था इस बार वाले में भी, पर आपको मतलब उसमें कर लेना ज़रूरी होता है। चाहे आप हार्ड कॉपी अपना वो प्रिंट आउट निकाल के कर लो, या ऑनलाइन भी वो लोग अपनी वेबसाइट पे डाले रहते हैं, तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो, लेकिन एक बार क्या होती है कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, वो हमें शायद ज़्यादा अच्छे से याद रहती है मेमोराइज़ करने में, एक साथ जब हम पढ़ते हैं कोई भी चीज़, तो वो रिवीजन के पर्पज़ से बहुत सही रहेगा कि लास्ट में आप एक ही जगह, आपको सारी नोट्स हो गई हैं आपकी, आपने उसको रिवाइज़ कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इंडिया एंड इजिप्ट ऑन संडे, तो इंडिया और इजिप्ट ने संडे को साइन किया है एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड बायलेटरल टॉक विद प्रेसिडेंट, किसके साथ, प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ हुआ इनका, ठीक है। तो बायलेटरल एग्रीमेंट जो वहाँ पे साइन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट बेस्टोड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड, द ऑर्डर ऑफ नाइल ऑन द विजिटिंग इंडियन लीडर, एंड मिस्टर मोदी डिस्क्राइब हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू इजिप्ट एज हिस्टोरिक। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस जो विजिट को, इजिप्ट विजिट पे जो वो गए हैं, उसको हिस्टोरिक बताया। द फोर एग्रीमेंट दैट वर साइंड, चार एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, ये याद रखना है, ठीक है। फोर एग्रीमेंट वर साइंड ड्यूरिंग द विजिट, जून 24 से 25 तक की इनकी जो विजिट है ये, उस पर 24-25 को दो दिन थी, तो उसमें चार एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायलेटरल रिलेशनशिप में एक तो किया गया, वॉज द सिग्नेचर ऑन द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है। मतलब बायलेटरल रिलेशनशिप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ठीक है, इट वॉज साइंड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वहाँ के अल सीसी, ठीक है, और फुल नाम इनका यहाँ पे दिया है, अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कवात्रा जी ने ये अनाउंस किया है। ही सेड ग्रीन एंड रिन्यूएबल कोलैबोरेशन विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप विद इजिप्ट बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस दैट टू साइड अटैच। अब देखो, पूरा आर्टिकल हमने पढ़ा, उसमें बस इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर जो हमें लर्न करने की ज़रूरत है, जो हमें याद रखना है, वो ये पॉइंट्स है, इस पर स्टार बना दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट, कि ग्रीन एंड रिन्यूएबल कोलैबोरेशंस जो हैं विल बी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, ये जो फ्यूचर पार्टनरशिप हो रही है इजिप्ट के साथ, उसमें फोकस एरिया किस पे किया गया है, ग्रीन एंड रिन्यूएबल कोलैबोरेशंस पे। ओके, अब ये हो गया, नेक्स्ट हम देखेंगे और हमको कौन सा डिस्कस करना है, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे, द इंडिया US डील फॉर 31st MQ-9B ड्रोन, तो ये डिस्कस करना है, इस पे देखेंगे ये क्या कहा जा रहा है। हमारा समरी जो है साइड में, वो हम देखेंगे इसमें। इसमें कहा जा रहा है, US प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, US प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम इंडियाज प्लान। क्या है वो प्लान, ये देखनी है आपको यहाँ से। प्लान टू प्रोक्योर जनरल एटॉमिक्स MQ-9 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE अनमैंड एरियल व्हीकल, द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड लास्ट वीक आफ्टर टॉक बिटवीन द टू लीडर्स। तो मतलब किस पे फोकस किया गया है, ये प्लान जो है प्रोक्योर करना जनरल एटॉमिक MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE अनमैंड एरियल व्हीकल। लाइन यहाँ से आपको याद जो रखनी है, वो है एरियल व्हीकल की बात की जा रही है, UAV, ठीक है, अनमैंड एरियल व्हीकल। ओके, अकॉर्डिंग टू सीनियर MOD ऑफिशियल, इंडिया इज़ नेगोशिएटिंग टू इंक्रीज इंडिजनस
टेंट अंडर द डील। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब इंडिया की बहुत सारी जैसे इंडिजिनसली लेवल पे ये डेवलप होगा। द करंट इंडिजिनस कंटेंट जो प्रपोज किया गया है वो 8-9% रहेगा, वाइल इंडिया इज होपिंग इट कैन इंक्रीज 15-20%। अभी 8-9% इंडिया का इसमें इंडिजिनस कंटेंट की बात की गई है कंटेंट की, लेकिन अभी 15-20% करने की मतलब ये है कि वो होप किया जा रहा है कि वो इंक्रीज होगी। एम क्यू नाइन बी की बात करें, हैज़ अ टू वेरिएंट, इसके दो वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन, ठीक है। इट्स अ मैरीटाइम वेरिएंट, ये मैरीटाइम वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब होता है प्रकार, ठीक है, टाइप्स, मैरीटाइम वेरिएंट है ये। द MQ-9B इज डिजाइन टू फ्लाई ओवर द होराइजन वाइल वाया सैटेलाइट, ठीक है। तो किसके द्वारा जा सकते हैं, सैटेलाइट के द्वारा, फॉर अप टू 40 आवर्स, 40 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन कॉन्फिगरेशंस। ओके, ये हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई गई हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट एंड प्रोसेस, ठीक है, इतना आपको डिटेलिंग में कॉस्ट वगैरह नहीं याद रखनी है। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हमने देखी वो देखो यहाँ से, व्हाट UAVs आर ऑलरेडी इन सर्विसेज, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, द इंडियन नेवी हैज़ लीज्ड टू MQ-9As फ्रॉम जनरल एटॉमिक विद दी मैडिन फ्लाइट टेकिंग प्लेस ऑन November 21, 2022। तो उस समय किया गया था, इन दिस 2 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन टिल November 2022 दे हैड कम्प्लीटेड 10,000 फ्लाइट आर, तो इन्होंने 10,000 फ्लाइट आर को कम्प्लीट कर लिया है। हेल्प द इंडियन नेवी टू कवर, मतलब इससे हेल्प मिली है इंडियन नेवी को कवर करने के लिए 14 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑपरेटिंग एरियाज को, ठीक है। एट एरो इंडिया इन बैंगलोर इन February 2023 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एंड जनरल एटॉमिक अनाउंस, उन्होंने क्या किया है कि टर्बो प्रॉपर इंजन विच पावर MQ-9B विल सपोर्टेड बाई HAL इंजन डिवीज़न। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखनी थी हमको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से कवर की जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, और समरी में ही सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो पूरी डिस्कस की गई हैं, हमको उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें देखनी होती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आई है, कल वाले न्यूज़ में भी आई थी, मतलब और इसमें फिर से यहाँ पे डिस्कस हुआ है, द टाइटन ट्रेजेडी, हाउ डिड द टाइटैनिक टूरिस्ट सबमर्सिबल ऑपरेट। तो टाइटैनिक की बात यहाँ पे की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ओके, तो इसमें कहा जा रहा है June 18 सबमर्सिबल नेम टाइटन वर मिसिंग, तो मिसिंग था, ऑन बोर्ड मिसिंग व्हीकल्स वर पायलट एंड 4 crew member ट्रेवलिंग टू सी रैकेज ऑफ द RMS टाइटैनिक विच इज़ नियरली 4,000 meter अंडर द वाटर इन फ्रिजिड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो ये है, ऑन June 2021 अथॉरिटीज इन्फॉर्म दैट ऑल 5 passenger जो भी थे ऑन टिबटन डाई इन द कैटास्ट्रॉफी इम्प्लोजन, तो मतलब उनकी डेथ हो गई। अब इसमें बात की जा रही, व्हाट इज़ द टाइटन सबमर्सिबल, टाइटन सबमर्सिबल है क्या, तो यहाँ कहा जा रहा है जो टाइटन है, टाइटन इज़ अ सबमर्सिबल, सबमर्सिबल कहा जा रहा है, और अंडर वाटर व्हीकल, मतलब सबमर्सिबल कह लो या ये कह लो कि ये अंडर वाटर व्हीकल है जो कि ऑपरेट किया जा रहा है बाई प्राइवेटली ओन्ड US कंपनी। तो जो प्राइवेटली ओन्ड US कंपनी है ओशियन गेट, उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा है, दैट ऑर्गेनाइज अंडर वाटर एक्सपीडिशन फ्रॉम बोथ रिसर्च एंड टूरिज्म। तो इसमें बता रहे हैं दैट ऑर्गेनाइज, मतलब वो ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर वाटर जो भी एक्सपीडिशंस होते हैं रिसर्च पे टूरिज्म पे उसको। द कंपनी क्लेम दैट, वो कंपनी ये बता रही है, मतलब वो क्लेम कर रही है दैट कि टाइटन विच इज सेड वॉज बिल्ड विथ ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट इज लाइटर एंड मोर कॉस्ट इफिशियंट देन अदर डीप डिवाइन सबमर्सिबल। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें बात की गई हैं। अब यहाँ से एक लाइन ये भी यहाँ देखनी है, इधर देखनी है आपको कि इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू ओशियन गेट्स वेबसाइट, मतलब ये इन्होंने ये सब चीज़ें जो बताई हैं इसमें है, द कंपनी सेड इट्स एक्सपीडिशंस वर मीन टू बी डॉक्यूमेंटेड द टाइटैनिक एंड रेट ऑफ द डिकेसी ऑन द ओशन फ्लोर एंड दैट ऑल एक्सपीडिशंस वर इन द लाइन विद द नेशनल ओशियानिक एंड एटमोसफेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA गाइडलाइंस। यहाँ से याद रखना है NOAA गाइडलाइंस फॉर रिसर्च। देखो अब ये पता चल ये हुआ कि NOAA क्या है, तो ये गाइडलाइंस है किस चीज़ के लिए, रिसर्च एक्सप्लोरेशन साल्वेज एंड RMS टाइटैनिक, ठीक है, तो इसके लिए है। व्हाट डू दीज गाइडलाइंस है, मतलब ये गाइडलाइंस क्या कह रही हैं, ये इंपॉर्टेंट इसमें देखना है गाइडलाइंस के बारे में। तो कह रही हैं कि टाइटैनिक इज़ अ ग्रेव साइट
वेयर विक्टम एक्सपीरियंस अनइमेजिनेबल हॉरर एंड सफरिंग फ्रॉम देयर फाइनल आर. तो मतलब उनको कितना प्रॉब्लम हुई, फिर उनकी डेथ हुई, ये सब के बारे में है. अब यहाँ से ये लाइन याद रखना है, यूनेस्को गाइडलाइंस स्ट्रेस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज, अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज एंड नीड टू प्रोटेक्ट सराउंडिंग वाटर बाई इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल नॉन इंट्रेंसिव एक्सेस. ठीक है, और इसमें कहा कहा जा रहा है कि नोवा गाइडलाइंस आर सिमिलर एंड इंसिस्ट रिकवरी मटेरियल एंड आर्टिफैक्ट मस्ट बी मैनेज्ड एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. इन अदर वर्ड, टेकिंग सोवेनियर फ्रॉम रैकेट साइड इज स्ट्रॉन्गली डिस्करेज्ड. तो देखो यहाँ से ये लाइन याद रखनी है आपको, यूनेस्को गाइडलाइंस में इसको क्या बताया गया है, अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको बोला गया है. तो ये यहाँ से हमको याद रखनी है. ठीक है, जो चीज़ें हमको याद रखनी होगी वहाँ पे हम स्टार बना लेते हैं, और आपको भी अपनी नोट्स में, मतलब जो नोट्स होगी और जो भी चीज़ें वहाँ पे स्टार उसको बना लेनी है. अब यहाँ पे देखो बता रहे हैं डिफरेंस क्या है सबमरीन और सबमर्सिबल के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. देखो क्या कहा जा रहा है, व्हाइल द टू कैटेगरी कैन ओवरलैप, मतलब दोनों ओवरलैप कर सकते हैं. अ सबमरीन रिफर्स टू एन अंडर वाटर व्हीकल, जो सबमरीन है उसको अंडर वाटर व्हीकल कहते हैं. रिफर्स टू मतलब उसको रिफर्स टू मतलब कहा जा सकता है. दैट इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट, ये लार्जली क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है. हैज़ पावर रिजर्व टू हेल्प टू डिपार्ट फ्रॉम पोर्ट और कम बैक टू पोर्ट आफ्टर एन एक्सपीडिशन, मतलब वो क्या कर सकती है, डिपार्ट कर सकती है पोर्ट से और वो वापस भी आ सकती है पोर्ट पे एक्सपीडिशन के बाद. मीनवाइल ये कहा जा रहा है कि जो सबमर्सिबल है, देखो अभी तक सबमरीन की बात हो रही थी, यहाँ से देख लो, ठीक है सारे एक ही कलर के हो जा रहे हैं पर आप समझ रहे होगे. देखो सबमरीन की बात चल रही थी अभी तक, अब यहाँ से सबमर्सिबल का सुनो. सबमर्सिबल में क्या कहा जा रहा है, इज़ अ जनरली स्मॉलर इन साइज, ठीक है ये स्मॉलर साइज में होते हैं और लेस पावर होते हैं, लेस पावर होती है इसके अंदर. पहले सबमरीन में क्या कहा गया था, सबमरीन में ये कहा गया था कि अंडर वाटर व्हीकल होता है जो लार्जली इंडिपेंडेंट होता है, हैज़ पावर रिजर्व टू हेल्प अ डिपार्ट फ्रॉम द, तो समवेयर उसमें पावर थी ज़्यादा. पर सबमर्सिबल में क्या कहा जा रहा है कि स्मॉलर साइज का है और उसके पास कम पावर है. सो इट्स नीड टू वर्क विद अ शिप इन द ऑर्डर टू लॉन्च एंड रिकवर. टाइटन वॉज वर्किंग विद द वेसल नेम, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको स्टार बनाने की ज़रूरत है. क्या कहा जा रहा है ये आपको यहाँ से देखना है, यहाँ कहा जा रहा है टाइटन वॉज वर्किंग विद अ वेसल नेम पोलर प्रिंस. पोलर प्रिंस याद रखना है कि किसके लिए बोला गया है, मतलब ये कहा जा रहा है कि टाइटन वॉज वर्किंग विद, किसके साथ काम कर रहा था, वेसल, कौन सा वेसल था वो, पोलर प्रिंस. तो पोलर प्रिंस क्या है, अब जैसे कोई ना पोलर प्रिंस की बात आई तो कोई उसे सैटेलाइट से वो मतलब किसी प्रिंस से ना रिलेट कर ले कि कोई रूलर थे ये थे, पर आपको याद रखना है ये एक टाइप का वेसल था, वेसल. अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की गई है. हाउ हैज़ दी सबमर्सिबल ऑपरेट, कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है. 2020 वीडियो इंटरव्यू ऑन BBC, ओशन गेट CEO स्टॉकटन रश ने कहा था कि टाइटन हैज़ ओनली वन बटन इन साइड एंड दैट सबमर्सिबल वॉज रन विद अ सोनी प्ले स्टेशन स्टाइल कंट्रोलर. तो बता रहे हैं इसमें सिर्फ एक बटन है, तो इस तरीके से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है. बिफोर द एक्सपेडिशन ओशन गेट सेड ट्वीट दैट वॉज रिलाइंग ऑन द सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट फ्रॉम द एलन मस्क फाउंडेड कंपनी स्पेस एक्स स्टार लिंक फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम मिडल ऑफ द ओशन थ्रू द टाइटेनिक. देखो जो हमारे लिए ज़रूरी था वो हमने अपना सारा कवर कर लिया है, ठीक है. तो ये देखना आपको, नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें कौन से देखना है, कल वाला भी जो है वो कल वाले का भी शॉर्ट नोट पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लें. देखो एक दिन मिलता है संडे, जिस दिन हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है आप भी ब्रेक लेते हैं, तो मंडे को ही शॉर्ट नोट में सारा कवर हो जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है. अब यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं, प्राइसिंग टर्म्स ऑफ MQ-9B ड्रोन डील विद US यट टू बी फाइनलाइज स्टेज गवर्नमेंट. तो बता रहे हैं कि जो MQ-9B ड्रोन डील है US के साथ, अभी फाइनलाइज्ड होना है उसको, ऐसा गवर्नमेंट बता रही है. जो कि अभी जस्ट हमने शायद इसको आगे डिस्कस भी किया है, ठीक है, कि पर थोड़ा सा वहाँ पे था. तो यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई हैं, 9V एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सारी चीज़ें, फिर वही रिपीट हो रही है, वो हम ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है. तो ये यहाँ से याद रखो कि जो प्राइसिंग है MQ-9B ड्रोन का, वो अभी होना, मतलब वो US yet to be finalized, मतलब US अभी फाइनलाइज्ड करेगा. ओके यहाँ से देखो एक लाइन और मिली आपको, पाक आर्मी डिप्लॉइंग न्यू चाइनीज कैनन ऑन LOC सेज ऑफिशियल.
तो वो क्या कर रही है, पाक आर्मी डिप्लॉय कर रही है न्यू चाइनीज कैनन को कहाँ पे, LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ओके, तो ये यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक यहाँ बताया जा रहा वंदे भारत ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, अच्छा हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं वंदे भारत ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी सहारनपुर से प्रयागराज तक, ऐसा जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने बताया है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, चाइनीज़ हैज़ बीन हेल्पिंग द पाकिस्तान आर्मी, चाइनीज़ क्या कर रही है, हेल्प कर रही है पाकिस्तान आर्मी को बिल्ड करने के लिए इन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड कर रही है उसको अनमैंड एरियल व्हीकल्स सेट करने के लिए, सेटिंग अप कम्युनिकेशन टावर्स एंड लाइंग अंडरग्राउंड केबल्स अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चीज़ें हैं। अब क्या कहा जा रहा है, नोन एज सूट एंड स्कॉट आर्टिलरी वेपन्स, पाकिस्तान ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज फर्म नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ के साथ, कॉपरेशन लिमिटेड सप्लाई टू 236 SH-15S एंड अकॉर्डिंग टू लंडन बेस्ड जेन्स डिफेंस मैगजीन फर्स्ट बैच डिलीवर टू दी January 2022। तो इस बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा यहाँ पे देखना है हमको, यहाँ पे देखो एक और आया हुआ है साइंस वाले पेज पे, जो साइंस वाला पेज ऐड हुआ है इसमें है, डिड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिड क्लाइमेट चेंज रियली मेक यूपीज डेडली हीट वेव ट्वाइस एज अ लाइकली, तो इस पे हम देखेंगे समरी देख लेंगे इसकी क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सपर्ट हु डेवलप मैथड ऑफ रैपिडली कंप्यूट द एक्सटेंट टू विच वेदर इवेंट कैन ऑट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज हैव सेट आउट इन कैविज एंड किविज एंड शॉर्ट कमिंग एंड दिस, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है हिस्टोरिकल एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा इसकी पहले पूरी चीज़ें। ओके, डेडली हीट वेव, मतलब हीट वेव देखा गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में रिसेंटली बताया गया कि 100 लोगों की डेथ हुई, क्लेम एज मेनी एज 100 लाइफ्स, देयर वर सब्सिक्वेंटली सेवरल रिपोर्ट्स सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू दी मॉडल कॉल्ड, कौन सा मॉडल है, क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स डेवलप्ड बाई रेपुटेड US नॉन प्रॉफिट कॉल्ड क्लाइमेट सेंट्रल, दिस हीट वेव आर मेड ट्वाइस एज लाइकली बाई क्लाइमेट चेंज, मतलब हीट वेव की जो प्रॉब्लम है इतनी बढ़ गई है। वॉट इज़ द साइंटिफिक कॉन्फिडेंस लेवल इन सच अ लोकल कॉन्ट्रीब्यूट, और ये सब क्या है वो देखेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड वेदर की बात की गई है, तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है, हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ टेम्परिंग अलाउ अस टू से हाई कॉन्फिडेंस दैट अ लास्ट फ्यू डिकेड्स नेचुरल वेरिएशन इन द क्लाइमेट अवे एट टू और सब्सट्रैक इफेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट चेंज एट अ लोकल लेवल, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया कैन हैव हॉटेस्ट समर एंड सेम समर चेन्नई कैन हैव कूलेस्ट डे इन जून, सोचो। तो मतलब कंपेरिजन किया गया है कि और मतलब जैसे हमेशा की तरह जैसे हर साल समर में क्या होता था कि जो सिचुएशन रहती थी उसके कंपेरिजन में ये देखा गया है कि साउथ इंडिया कैन हैव हॉटेस्ट समर, ठीक है, होता था, लेकिन सेम टाइम ये देखा जा रहा है कि चेन्नई में क्या देखा जा रहा है, कूलेस्ट डे देखा जा रहा है जून में। तो हीट वेव की यहाँ पे बात हो रही है, हीट वेव, यूपी हीट वेव की यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, और बस आपको याद रखना है कि किस लिए ये चूज़ हुआ था, और वहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मॉडल की बात की गई है, वो मॉडल है क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स की। तो ये हमारा लास्ट पेज होता है, ये जो साइंस का पेज है ये लास्ट पेज होता है, ठीक है, देखो इसके बाद कोई पेज नहीं है। तो बस ये था हमारा द हिंदू का, जो जो हमें चीज़ें डिस्कस करनी थी, जो भी चीज़ें छूटी होंगी वो अपने शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।